Good morning, dear students. Environmental studies पढ़ रहे हैं हम और environmental studies में अभी तक हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं. अलग अलग जो हमारे topics होते हैं, social से related, science से related. और आज हमारा नया topic start हो रहा है और new topic का name है glory of trees. हमारे जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ों की क्या glory होती है, किस तरह से इनकी शान होती है. तो चलिए start करते हैं. Today, mother observed what Savitri first. आज जो है मम्मी है, क्या रखा है? What Savitri जी का व्रत रखा है. She was prepared for worship और वो पूजा के लिए तैयार हो रही थी. Seeing this, Bhavna asked और ये सब देख करके Bhavna ने पूछा. Bhavna की मम्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो Bhavna ने पूछा कि मम्मी, is there any special worship today? आज कोई खास पूजा है? कुछ खास है आज? Mother told that today what tree would be worshipped? तो माँ ने कहा कि हाँ, आज वृक्ष का जो पेड़ है, उसको पूजा जाएगा, उसकी पूजा की जाएगी. The same way many trees are worshipped on different occasions. इसी तरह से अलग-अलग त्योहारों पे अलग-अलग पेड़ों को पूजा जाता है. पेड़ों को पूजने की प्रथा है. और एक आंवला और आंवला नवमी, जैसे कि आंवले को पूजा जाता है आंवला नवमी पे. पीपल ऑन द डे ऑफ दश माता फास्ट आर वर्शिप, और जब दश माता जी की का व्रत रखा जाता है तब पीपल के पेड़ को पूजा जाता है. बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम. इन पेड़ों को क्यों पूजा जा रहा है, क्यों इनकी पूजा की जा रही है? तो देखिए, पेड़ों को इसलिए पूजा जा रहा है क्योंकि जिस चीज को हम पूजेंगे, जिस चीज की हम पूजा करेंगे, जिस चीज का हम सम्मान करेंगे, क्या उस चीज को हम कभी मारना चाहेंगे, उस चीज को कभी हम नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? नहीं. हमारे इंडियन कल्चर में यही होता है कि हमारे इंडियन कल्चर में हर चीज को पूजा जाता है, ठीक है? आप देखिए, यहाँ तो हम पेड़ों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो है सूरज को जाती है, एक्स्ट्रा उसको सम्मान किया जाता है. तो यही रीजन है
इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि चाहे वो ऑक्सीजन देने की बात हो, चाहे वो प्लांट्स की बात हो, चाहे उसके फल फूल की बात हो, या चाहे लकड़ी की, मतलब पेड़ की हर एक चीज, एक एक पार्ट हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए तो पेड़ों की पूजा की जाती है भारतीय सभ्यता में, ताकि पेड़ जो है उनको संरक्षित, उनको प्रोटेक्ट रखा जाए, ठीक है, उनको संभाल करके रखा जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनको रिस्पेक्ट किया जाए। रिस्पेक्ट करने का रीजन क्या है? रिस्पेक्ट करने का रीजन यही है कि जो चीज हमें इतना कुछ दे रही है उसका रिस्पेक्ट तो हमें करना ही चाहिए, उसको प्रिजर्व करके, उसको बचा करके हमें रखना चाहिए। इसके बाद देखिए भावना आज Why we should do so? भावना भी आपकी तरह बच्चे की भावना है, क्योंकि मम्मी से बोला कि ऐसा तो करना चाहिए, क्या जरूरत आ गई? वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको अभी बता चुकी हूँ कि क्या अगर क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है, ठीक है, पर फिर भी भावना के अकॉर्डिंग आप देखिए भावना की उम्मीद क्या कहती है। तो ड्यू टू डिफोरेस्टेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल अराइज। आप देखिए कि पेड़ क्या है, हमारे लिए तो जरूरी नहीं, उसके अलावा फॉरेस्ट जंगल हमारे लिए जरूरी है, जंगल के जानवर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारी जो इकोलॉजी होती है इसको मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। तो जंगल के जो जानवर है उनको रहने के लिए कहीं तो जगह चाहिए, हम उन्हें अपने घर में तो रख ही नहीं सारे जानवरों को, तो क्या होता है फिर वो जंगल में रहते हैं। जंगल में किन में रहते हैं? पेड़ों में रहते हैं, कोई पेड़ के ऊपर रह रहा है घोंसला बना करके, कोई पेड़ के नीचे रह रहा है, कोई पेड़ के बीच में होल करके रह रहा है। इस तरह से वो क्या होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को खत्म कर देना, ठीक है, जंगलों को काटना, अगर जंगलों को काटा जाएगा तो क्या होगा, जंगल कम हो गए, ठीक है। जंगलों को काटने का मतलब है पेड़ों को काटना। अगर आपने पेड़ को हटाया, एक पेड़ पर सोचिए कितने सारे जानवर डिपेंडेंट है, कितने सारे उस पर से पक्षी आकर के बैठ रहे होंगे, कितने सारे नीचे छोटे छोटे से जानवर कर रहे होंगे, कितने सारे जो थोड़े बड़े जानवर हैं तो उसकी पत्तियां वगैरह कुछ खा के अपना जीवन जीते होंगे। तो एक पेड़ को नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि हमने जंगल का काफी कुछ नुकसान कर दिया, और उसी के साथ साथ सिर्फ जंगल का और जंगल के जानवरों का नुकसान नहीं किया, हमने तो अपने आप का भी नुकसान किया, अपने खुद का भी नुकसान किया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पेड़ किस तरह से बेहद इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारी लाइफ में, और उन्हें संभाल करके रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक है, हम ही कुछ ना कुछ करेंगे, हम ही इसके लिए कोशिश करेंगे तो वो एज इट इज जो है बड़े बने रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इसीलिए हम पेड़ उगाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेड़ तो जरूरी है ही हमारे लिए। भावना कहती है मदर आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। भावना जो है वो कहती है कि मैंने अमृता देवी का नाम भी सुना है, अमृता देवी के बारे में भी पढ़ा है, आप मुझे इसके बारे में डिटेल में बताओ मम्मी की आखिर क्या स्टोरी थी अमृता देवी की। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अमृता देवी की कि किस तरह से उन्होंने पेड़ों के लिए सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो स्टोरी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको नॉर्मली यही बताना चाहा है कि किस तरह से पेड़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, किस तरह से हमारे इंडियन कल्चर में इन पेड़ों की वर्शिप की जाती है, इन्हें पूजा इनकी पूजा की जाती है, क्यों की जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो भी मैंने आपको समझाया, आपको बताया है। सो होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी अमृता देवी की स्टोरी जो है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अमृता देवी ने किस तरह से अपने आप को पेड़ों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया। इट मीन सोचिए आप कि पेड़ हमारे लिए बाकी में कितने इम्पोर्टेंट होते होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत समझ में आ जाएगा, वो स्टोरी पूरी अपन डिस्कस करेंगे, क्या स्टोरी होती है। आज की अपनी क्लास यही थी, इतना ही टॉपिक था।